हेलो गाइस, कैसे हैं सब? सबसे एक बात कहनी है कि कल जो मैच हुआ था वैली टेस्कर वर्सेस जो बेलगवी पैंथर्स के बीच जो मैच हुआ था, वो मैच के बारे में मैंने बता दिया था कि वैली टेस्कर के साथ जाना या फिर टच के साथ जाना, तो दोनों को दोनों ही पास हो गई थी, यानी कि सोना पे सुहागा हो गई थी। तो आज जो बात करेंगे वो है कि एलिमिनेटर मैच के बारे में बात करेंगे। आज KPL की जो टक्करने वाला है शिवा बोगा लायन वर्सेस हाबली टाइगर, तो ये जो दोनों टीम है, दोनों टीम ही प्लेयर जो है वो अच्छी फॉर्म में है, हाबली टाइगर की, लेकिन शिवा बोगा लायन की जो प्लेयर है वो अच्छी फॉर्म में। तीन मैच जो है, लास्ट जो 3 मैच है इससे KPL की शिवा बोगा लायन की कोई भी प्लेयर उतना अच्छा नहीं खेला, या फिर कोई भी प्लेयर उतना अच्छा फॉर्म में भी नहीं है लास्ट 3 मैच। लेकिन पहले अगर देखो कि 6 मैच खेला है शिवा बोगा लायन ने, 3 मैच जीता है, पहले से ही 3 मैच जीता था, और लास्ट की जो 3 मैच था 4, 5, 6, और ये तीनों मैच हार गई थी शिवा बोगा लायन ने। लेकिन हाबली टाइगर की जो परफॉर्मेंस थी फास्ट में, तो दोनों को दोनों मैच हार गई, फिर एक जीता, फिर एक हारा, फिर दोनों को दोनों जीता। हाबली टाइगर भी 3 मैच जीता था, लेकिन ये जो हाबली टाइगर और शिवा बोगा लायन की अगर प्लेयर की फॉर्म के बारे में बताऊँ या फिर प्लेयर की अगर एनर्जी के बारे में बताऊँ, तो मुझे तो इस शिवा बोगा लायन से हाबली टाइगर की प्लेयर की एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेयर है इस टीम पर। और सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो KB पावन और ये जो मोहम्मद ताहा है, ये जो दो बैट्समैन है बहुत ही अच्छे दो बैट्समैन हैं, और इस दो बैट्समैन अपनी टीम को आसानी से जिता सकती है अगर वो फॉर्म में आती है या फिर वो खेलना चाहती है। तो ये जो हाबली टाइगर है, हाबली टाइगर की टीम जो है वो एक परफेक्ट टीम है, बैटिंग कहो बॉलिंग कहो दोनों ही एवरेज है। 180 का भी चेस किया है इस हाबली टाइगर ने, लेकिन शिवा बोगा लायन ने अब तक उतना अच्छा ज़्यादा रनों की टारगेट चेस नहीं किया है, यही एक बड़ी बात है। और आज जो होने वाला है कि मैं तो बताना चाहूँगा, मैं कल भी बोला था आप लोगों से कि ये जो पिच है वो एक पूरा पूरी बैटिंग पिच है, कोई भी बैट्समैन अगर टिक जाती है या फिर अपनी ठंडी दिमाग से खेलता है तो वो बैट्समैन अच्छी कर सकती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल जो कप्तान खेला था, ये जो कप्तान खेला था, ये वैली टेस्कर की जो कप्तान खेला था, कितनी अच्छा खेला था, कितनी आसानी से खेल रहा था, बहुत ही ठंडी दिमाग से खेल रहा था, सेंचुरी नहीं लगा पाया 4 रनों से, लेकिन वो बहुत ही अच्छी बेहतरीन खेला था। लेकिन पहले देखोगे तो बहुत ही ठंडी दिमाग से खेला था, 10 बॉल पर 12 रन, बाद में 20 बॉल पर 27 रन, इसी तरह की रन वो बना के चले गए, बना के चले गए। लेकिन लास्ट में जाके जब वो हाफ सेंचुरी किया है और हाथ खोला है, तो बहुत ही अच्छी खेला था। तो इसी तरह की अगर कोई बैट्समैन खेलता है इस पिच में, तो वो सेट हो सकती है और मैच आसानी से टीम को जीता भी सकती है। तो ये जो मैच होने वाला है शिवा बोगा लायन और हाबली टाइगर के बीच, बहुत ही एक अच्छी मैच होगा, बहुत ही ड्रामा होने वाला है इस मैच पर। और एक बात बताना चाहूँगा वो है कि ये जो कल जो क्वालिफायर मैच हुआ था वो तो डिफेंडेड टीम जीत गई थी, लेकिन आज जो होगा वो चेजिंग टीम जीतेगा। कोई भी हालत हो, जितना भी टारगेट हो, वो चेजिंग टीम चेस कर लेगा। और एक बात है कि आज जो टॉस जीतेगा इस दोनों टीमों से, जो भी टीम टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेगा, क्योंकि ये दोनों को दोनों टीम ही एवरेज टीम है, सेम टू सेम टीम है, कोई प्लेयर कोई से कम नहीं है और कई टीम कोई से कम नहीं है। और एक बात है वो है कि पहली जो मैच हुआ था इस दोनों टीमों की, शिवा बोगा लायन और हाबली टाइगर के बीच, उस मैच में शिवा बोगा लायन ने 6 विकेट से जीता था। हाँ यार, इस बात को ध्यान में रखना है, 6 विकेट से जीता था, क्योंकि हाबली टाइगर को सबसे ज़्यादा चांसेस दे रहा है इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा चांसेस दूंगा शिवा बोगा लायन को, क्योंकि शिवा बोगा लायन ने तीन तीन मैच पर तीन तीन मैच हार चुका है। तो इस बार वो अपनी एनर्जी लेके आ सकती है और कुछ कर सकती है ये जो शिवा बोगा लायन। और मुझे जो लग रही है कि ये जो टॉस है, ये जो टॉस होने वाला है, ये टॉस भी शिवा बोगा लायन ही जीते और मैच भी शायद शिवा बोगा लायन ही जीतेगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन रहा है शिवा बोगा लायन विन ऑफ दिस मैच। लेकिन अगर टॉस हाबली टाइगर जीतता है तो हाबली टाइगर के साथ जाना है। तो मैंने मेरी तरफ से आज जो मैच जो भी करो यार, आज चेजिंग टीम के साथ जाओ, जो भी टीम टॉस जीतेगा अगर बैट करे पहले तो चेजिंग टीम के साथ जाओ, जो भी टीम टॉस जीतता है अगर बॉलिंग नहीं करता है तो, क्योंकि आज जो भी टीम जो भी रन होगा वो चेस हो जाएगी, और आज जो मैच होगा वो ड्रामा मैच होगा, फुल्ली ड्रामा मैच होगा, देखने के लायक एक मैच होगा आप लोगों को। तो आज बिल्कुल एक लॉस का बुक सेट करके चलना है आप लोगों को,
इधर से भी लेना है उधर से भी खाना भी है, तो इसी तरह से अगर आज चलो तो आज को भी लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट किस दिखा। तो चलते हैं आज के लिए, तो हमारी प्रेडिक्शन रहा है वो है कि शिवमोगा लायन ऑफ विन ऑफ दिस मैच, क्योंकि शिवमोगा लायन मुझे क्यों लग रही है कि शिवमोगा लायन पिछले साल तो 606 मैच ही हार गई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से खेल शुरू किया था तीनों को तीनों मैच जीता था लेकिन बाद में तीनों को तीनों मैच हार गई थी, लेकिन आज जो होने वाला है वो अगर शिवमोगा लायन टॉस जीता है तो शिवमोगा लायन ही ये मैच भी जीतेगा, और अगर हाबली टाइगर टॉस जीता है तो हाबली टाइगर ही मैच जीतेगा। तो देखते हैं आज के क्या होता है। तो चलते हैं आज के लिए, और अभी भी हमारे साथ है, चैनल के साथ है, हमारे साथ रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू आप लोगों को। और एक बात है वो है कि अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ आपका दोस्त आपका गोस्ट रजवीर भाई। तो चलते हैं आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो को और अगर हमारी बातों को और अगर इसके पेल में थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट्स कर देना क्या बात है आप लोगों की मन में। तो चलते हैं आज के लिए।